व्लॉग नहीं आ पाया था एक्चुअली। कल ना कुछ तगड़ी बातें हुई थी, ठीक है ना। कल बहुत ही ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से बसूड़ी से फैल गई, बोतल चली जा अंदर राजनगर में। तो यार हो गया एक भाई, सुबह उठते ही लूज मोशन। खास बात यह है लूज मोशन तो चलो देखे जाए। आज निकलना है जिम कॉर्बेट के लिए, ठीक है। कोशिश तो रहेगी रख 4 बजे तक यहाँ से भैया कटक लूँ, ठीक है ना। मतलब आ जाऊँगा मैं रूम पे 3-3:30 बजे, पर तैयारी वगैरह भी करनी है और धूप में नहीं निकलेंगे। बेशक छाँव छाँव में निकलना पड़े वो मंजूर रहेगा, पर बैग घटिया सब पर रुक चलते यार। छाँव छाँव में निकलो वो मंजूर रहेगा, ठीक है। लेट पहुँच जाएंगे वो भी मंजूर रहेगा, पर धूप में निकलना मेरे को मंजूर नहीं भाई। बिकॉज जिस हिसाब से लू मौसम लगे ना, मेरे ख्याल से लू लग गई। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे भी वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है आप लोग आज के ब्लॉग। खैर जैसे भगवान का नाम बोलते हैं जय श्रम विजय श्रम, मानव फोन करते हैं खाना। तो ये दिन याद रखना, आज का दिन 28 अप्रैल 2022 टाइम 12 आधा घंटे पहले मेरी फटी क्योंकि हमें पता चलता है कि शायद कुछ चांसेस है। शायद अगर ये बता रहे हैं कि मैम के पास मेल आई है तो कहीं ना कहीं कन्फर्म ही है कि भाई एग्जाम्स हैं। ये तो ऐसा हो सकता है कि मैम हमारी फाड़ना चाह रही हो ताकि हम पढ़ लें, ऐसा हो सकता है। टीचर नहीं, हाँ तो सारी टीचर की मिली भगत है यार यहाँ के। ओके भैया ले जाओ यार, आपको मना किया है किसी ने? आप लेके क्यों नहीं जा रहे? एक ही सीट है, तू बैठ जा, जा। इतने खाने लगे बहुत पहले और क्या, पहले जाने का कुछ तो फायदा मिले। भाई ग्लव्स पहनूंगा कैसे? दिक्कत ये नहीं है चोट लगी हुई, दिक्कत ये है चोट के ऊपर से जो पसीना आएगा वो जलन मचाएगी। तब वो लगा के बहाना है बैंडेज। हाँ तुझे क्या हो गया? क्या कॉलेज का ये हाल है बताओ। बोल क्या बोल, शूट कर रहा हूँ। कॉलेज का हाल ऐसा, तो हमारे रिकॉर्ड बनाया आज का कि ऐसी कहीं नीट की चुप कोचिंग चल रही हो ना तो भी मुझे बता देना। आज सर में 6 लाख चल रही है बी फार्मेसी के, इतना पढ़ रहे हैं हम इतना। और सर भी हम तब से कह रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हम कैसे जाएं, जरा बताएं जरा बताएं। ठंडा माहौल सहन नहीं हो रहा इतना किताबें आगे लगा रखी है। अरे जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, काले हैं तो पहले ही काले हैं हम पहले ही काले हैं भाई, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे चाहने वाले हैं। तो फिलहाल क्लासेस तो खत्म हो गई, ठीक है ना। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्लासेस तो खत्म हो गई, हम जाना है बाइक लेने के लिए। बाइक यहाँ पे ला के इतने मंच पैकिंग कर देगा, उस पर जो छोटा मोटा सामान बचेगा मैं अपने टैंक बैग में डालूंगा एंड सारा मेजर सामान लोड करके कपड़े पहन के बस खींच दो, क्योंकि मुझे घर से मामा जी को भी फ़ोन आ गया भाई देख जल्दी निकल। और वो उनकी चिंता अपनी जगह जायज़ रहती है कि आ रहा है अकेले आ रहा है, पहाड़ी का रास्ता है, छोटा मोटा डिस्टेंस भी नहीं है। एक होता है दो तरह के रास्ते होते हैं, एक होता है हाईवे वाला जैसे दिल्ली से करना अम्बाला आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, 250-400 किलोमीटर भी हाईवे। वहाँ पर हाईवे फिर शहरों के बीच में से निकलना भी है, पहाड़ भी है, थोड़ी सी बकैती है। ट्रूथ में मतलब एक दिन पहले ही मैंने ये सारी सेटिंग बिठाई थी, मुझे एक्चुअली गर्मी इतनी थी तो ये सूखना नहीं था, ठीक है ना। पर इस वाले हेलमेट का भी नाश हुआ, ठीक है। अब जो भी मोटो ब्लॉग हल्का फुल्का हुआ करेगा मैं फ़ोन से शूट कर लिया करूँगा कुछ सीन्स वगैरह, क्यों है ना, कुछ सीन शूट कर लिया करूँगा। एंड फिलहाल निकलते हैं पहले मानवी वगैरह के साथ, एक बार मेरे को वही भुक्कड़ पे खाना खाता हूँ। तो मैं बाइक यहाँ से ले जा रहा हूँ, वो लोग वहाँ मिलेंगे। एजेंसी पर्पस ना मैं एक काम करूँगा, मैं चेस्ट माउंट भी ऑर्डर कर ही लूँगा। फिलहाल आप जाइए इसमें, आपको निकाला जाएगा। ये पड़ा हुआ है मतलब मूड ही ख़राब हो गया पूरा। सो फिलहाल टाइम हो गया 4:43 एंड मैं ना यहाँ पे आ गया हूँ। ये ना यहाँ पर एक वो था हवाई अड्डा करके था, भले मेरा आता था ना, मैं मानवी के साथ या वंश के साथ कभी भी जाता था मैं आता था। मैंने को सोचता था कि यार एक काम करते हैं अपन भी भाई इस हवाई अड्डे पर खा लेते हैं। खैर जैसा भी फिलहाल खाते हैं पीते हैं एंड मोटो ब्लॉगिंग तो बिल्कुल नहीं हो पा रही यार, क्या कर सकते हैं। आदि भाई देख तेरा भाई पायलट बन गया पायलट। वो बेसिकली कुछ ऐसा होता है, यहाँ से विंडो सीट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। प्लीज़ हाँ स्प्रे कर दो। और यहाँ से कॉकपिट एंड मैं बिजनेस क्लास के लिए जहाँ तक ज़्यादा जने आएंगे एंड बाकी तो चल रहा है काम, ठीक है ना। फिलहाल खाना वगैरह ऑर्डर कर दिया, बहुत सारा खाना खाऊंगा, नूडल्स भी, नान भी, दाल मखनी भी
बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया, सब खाएंगे, चिक्के खाएंगे, रज के खाएंगे। कोई खाने के पहले व्लॉग करके बताता है कि हमने क्या क्या खाया, पर भाई तुम्हारे भाई ने क्या क्या खाया तुम्हारा भाई दिखाता है, ठीक है। तो उठ, वो गिर गए, हक्का नूडल्स, खाली प्लेट, हरी चटनी यानी कि दाल और उसमें थे नान, फुल भाई पेट सेट है, सारा पेट और सेट नहीं होता। अब बाइक चलाएंगे और सीधा निकल। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है ना, पर मुझे नहीं पता हर जगह की हॉस्पिटैलिटी ऐसी होती है, मैं सेटिस्फाइड नहीं था, ठीक है। प्याज के लिए भी ले जा, प्याज के लिए भी बोल दे रहा है यू हैव टू ऑर्डर, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। हक्का नूडल्स में मेरे को नूडल्स और चाउमीन ना मेरे को हमेशा आ जाता है, मैं ऊपर से सिरका डाल के खाता हूँ, पीता ये करता हूँ टेस्ट ज़्यादा, पर यहाँ पे वो बना कर दिया। तो फिलहाल रुकूँ गन्ने के छोटे से ब्रेक के लिए, एंड यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 5:19, रात को 12 बजे, टाइम पर सब छोड़ो भाई, सारे टाइम फेल है। ये व्यू देखो, मतलब इस व्यू के लिए और ऐसे हाईवे के लिए ना तरस गया था मैं, अंदर से ऐसी तलब सी मच रही थी भाई, कब कब। और फिलहाल रुको यहाँ पे गन्ने का रस पीने के लिए, देखो कुछ भी हो सकता है, लेट पहुँच जाऊँगा, पर मैं ना घाई नहीं करना चाहता, किसी चीज़ की घाई नहीं है भाई अपने को, अपन बहुत आराम से पहुँचेंगे, ठीक है, जूस वूस पी के निकलेंगे आराम से बढ़िया तरीके से, और पेटीएम भी चलता ही है, पर मैं कैश दे दूँगा। कितने हो गए, जैसे बोल लो कि वैसे कर दूँ, कितने? अरे ऐसे ना बोलो, बताओ। बढ़िया पिला आपने, दिल खुश कर दिया, मज़ा आ गया, एक नंबर। नहीं पाऊँगा, 4 घंटे दिखा रहा है, 191 किलोमीटर बचा हुआ है, एंड फिलहाल हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, अभी तो नहीं लेकिन आते टाइम मैं ज़रूर भाई बिना गंगा स्नान करें जाऊँगा, एंड घाट भी देखो कितने साफ लग रहे हैं, ठीक है, और मतलब बेस्ट है, मतलब माहौल ही सेक्सी है ना, एक नंबर माहौल हो रखा है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, जल्द से जल्द कवर करते हैं 4 घंटे, यानी कि रात के 12 बज जाएंगे, 12 की जगह 12:30 भी हो सकते हैं, तो पेट्रोल फिलअप करवाते हैं, आगे जाके 40-50 किलोमीटर का और डिस्टेंस कवर करते हैं और फिर निकलते हैं। सो फिलहाल टाइम हो रहा है कुछ 9:30, ठीक है ना, एंड आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स तो मैंने कहीं नहीं गया, ठीक है ना, जब मैंने लास्ट शूट किया था ना हरिद्वार सहारनपुर जो किया था हरिद्वार में, मैंने बहुत ही मिनिमम ब्रेक लिया था, छोटा था वो नहर, मेरे को गंगा जी दिखने लगी थी, और अब दोबारा मैं चुटकी पापा जी को पता है, पापा ने मुझे बचपन में बहुत खिलाई है, मम्मी तो माउथ फ्रेशनर होता है बेसिकली, एक ठीक है ना, इससे क्या होगा नींद नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात यह है नींद नहीं आनी। रामनगर यहाँ से दिखा रहा है अभी 140 किलोमीटर दूर, सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आगे जाके सीधा फोर लेन हाईवे मिलेगा अपने को, तो टापम टाप ले जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ खैरा पंजाबी ढाबा, चाय पीने का मूड नहीं था, मैंने कहा 5 मिनट रुक लेते हैं, भाई बाइक को भी देखो रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत गड्ढे झेल रही है बेचारी, मुझे पता है मैं कितनी रश चला रहा हूँ। व्लॉग नहीं कर रहा था भाई क्योंकि बिल्कुल अंधेरा था, एसडी कैम कुछ नहीं चल रहा, ठीक है ना, एंड कुछ मतलब हो नहीं रहा था, पर छोटा सा व्यू दे देता हूँ, अब ये सारा व्यू तो मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगा व्लॉग में, ठीक है। फिलहाल तो लाइट देख लो, इस लाइट के सामने बैठ के हम व्लॉग भी कर सकते हैं, तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं पहुँच चुका हूँ द कॉर्बेट ग्रैंड है, ठीक है ना, द कॉर्बेट ग्रैंड एक जगह है, यहाँ पर रिजॉर्ट है, वहाँ पर हम पहुँचे, फिलहाल जा रहा हूँ मामा जी के पास, खाना वाना खाऊँगा, एंड देखते हैं कल मिलते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा।